मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसने अपने बचपन में सिर पर शेर के प्रतीक के साथ उस शिखर वाली टोपी और कंधे पर चमकते सितारों के साथ उस खाकी को पहनने की कल्पना नहीं की होगी। निश्चित रूप से ये अनुमान लगाने की कोई कीमत नहीं है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। जी हाँ, ये प्रतिष्ठित IPS अधिकारी का पद है। अब जब आप अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के करीब हैं तो आपके लिए IPS अधिकारी बनने का, अपने बचपन के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में काम करने का ये सही समय है। इस वीडियो में मैं IPS अधिकारी की पोस्ट के बारे में आपके लगभग सभी सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी, जैसे कि IPS ऑफिसर कौन होता है, IPS ऑफिसर बनने के लिए कौन कौन से एलिजिबिलिटी कंडीशंस होनी चाहिए, IPS ऑफिसर बनने के लिए आप में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए, IPS की ड्यूटीज क्या होती हैं, आप IPS ऑफिसर कैसे बन सकते हैं, IPS ऑफिसर के कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं और IPS ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक IPS ऑफिसर कौन होता है। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी के रूप में भी जाने जाने वाला एक IPS अधिकारी पहले वर्ग का पुलिस अधिकारी होता है जो सभी भारतीय सेवाओं से संबंधित होता है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए विभिन्न क्षमताओं में काम करता है। वह अपने करियर की शुरुआत में एक ASP के रूप में राज्य सरकार का कार्य करता है और राज्य के पुलिस बल को DGP के रूप में लीड कर सकता है। केंद्र सरकार के स्तर पर IPS अधिकारी CBI और IB जैसी विभिन्न कानून लागू करने वाली एजेंसियों में सक्रिय भूमिका भी निभा सकता है। IPS ऑफिसर बनने के लिए एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या हैं? IPS ऑफिसर बनने के योग्य होने के लिए उम्मीदवार के पास भारतीय विश्वविद्यालय से डिग्री या किसी भी स्ट्रीम में समक्ष योग्यता होनी चाहिए। जो उम्मीदवार फाइनल एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो भी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जो कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज एग्जाम के रूप में भी जाना जाता है, दे सकते हैं, जो कि IAS, IFS, IRS और अन्य संबंधित सेवाओं के अधिकारियों के साथ IPS अधिकारियों के चयन के लिए हर साल UPSC द्वारा करवाया जाता है। जहां तक आयु सीमा का सवाल है तो चाहवान कैंडिडेट्स को परीक्षा के वर्ष की 1 अगस्त को 21 वर्ष से कम और 32 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। OBC कैंडिडेट्स के लिए ऊपरी आयु सीमा में 3 साल और ST/SC कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट होगी। ऊपरी आयु सीमा में डिफेंस सर्विसेज पर्सनल के पक्ष में भी छूट दी गई है। इसके अलावा उम्मीदवार को भारत का नागरिक होना चाहिए। IPS ऑफिसर बनने के लिए आप में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? अब जैसे कि एक IPS ऑफिसर बनने के इच्छुक को 3 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स के साथ कम्पीट करना पड़ता है, तो सबसे ज़रूरी गुण जो कि एक IPS कैंडिडेट में होना चाहिए वह ये है कि उसमें अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत करने की क्षमता होनी चाहिए। उसमें पुलिस फोर्स की अगुवाई करने के लिए लीडरशिप और एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स भी होने चाहिए। अच्छा संचार कौशल, उच्च सोच, निर्णय लेने की और दबाव की स्थिति को संभालने की क्षमता एक IPS अधिकारी के लिए ईमानदार और प्रभावी तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए जरूरी होना चाहिए। अब आप जानना चाहेंगे कि आप IPS ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। एक IPS अधिकारी भारत की इंटरनल सिक्योरिटी सर्विसेज की बैकबोन होता है, इसीलिए उसे अपनी जिम्मेदारियों का प्रभावी ढंग से निर्वहन करने के लिए सबसे बेहतरीन होना चाहिए। अब खुद को सबसे सूटेबल कैंडिडेट में से साबित करने के लिए IPS ऑफिसर बनने के चाहवान को एक बहुत ही कठिन सिलेक्शन प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है और वो सिलेक्शन प्रोसेस है इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम। इस सिलेक्शन प्रोसेस के पहले कदम के तौर पर इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर, जो कि है www.upscionline.nic.in के लिए अप्लाई करना होगा। कैंडिडेट्स को बताई गई वेबसाइट के मेन्यू के हिसाब से 2 स्टेजेस में एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, Part 1 और Part 2। इसकी एप्लीकेशन फीस है 100 रुपये। हालांकि SC/ST फीमेल कैंडिडेट्स को फीस ना देने की छूट है। आप फीस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में कैश द्वारा भी डिपॉजिट करवा सकते हैं या फिर वीज़ा, मास्टर, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग द्वारा भी करवा सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के दूसरे स्टेप के तौर पर
दूसरे पेपर के लिए वैकल्पिक विषय को विभिन्न धाराओं में विषयों की सूची से चुना जा सकता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम आमतौर में मई और जून के महीने में आयोजित किया जाता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवारों को मेन परीक्षा देनी होती है। प्रीलिमिनरी एग्जाम आमतौर पर मई और जून के महीने में आयोजित किया जाता है। प्रीलिमिनरी एग्जाम में क्वालिफाई करने के बाद उम्मीदवारों को मेन परीक्षा देनी होती है, जो आमतौर पर अक्टूबर के महीने में होती है, जिसमें होता है एक ऐसे टाइप इंडियन लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर जो कि होता है 300 मार्क्स का, एक जनरल ऐसे टाइप पेपर 250 मार्क्स का, दो जनरल स्टडीज पेपर 250-250 मार्क्स के और चार ऑप्शनल सब्जेक्ट्स पेपर्स 250 मार्क्स के। एक बार जब आप फाइनल स्टेज को क्लियर कर लेते हैं तो उम्मीदवारों को अपने व्यक्तित्व और मानसिक क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। फिर सफल उम्मीदवारों की फाइनल लिस्ट तैयार की जाती है और जिन उम्मीदवारों ने 400 से 450 में से बहुत अच्छी रैंक हासिल की हो उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेदमी में IPS प्रोबेशनर के रूप में भर्ती किया जाता है। वे सेंट्रल गवर्नमेंट में विभिन्न सिविल डिफेंसेस एंड पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि द सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस ब्यूरो, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग आदि में सर्व कर सकता है। एक बार भारतीय पुलिस सेवा में IPS प्रोबेशनर के रूप में शामिल होने के बाद असिस्टेंट सुपरिंटेंडेंट पुलिस, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और सबसे ऊंची डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पोस्ट पर प्रमोट किया जा सकता है। IPS ऑफिसर की सैलरी कितनी होती है? नए भर्ती IPS की सैलरी असिस्टेंट या डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के तौर पर 56,100 रुपये से लेकर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की 2,25,000 तक हो सकती है। इसके अलावा IPS अधिकारी सरकारी आवास और समाज में बहुत उच्च स्थिति के साथ विभिन्न भत्तों के हकदार हैं। मुझे आशा है कि मैं आपको इस हाई प्रोफाइल पोस्ट के बारे में पर्याप्त जानकारी देने में सक्षम रही। आपके कमेंट्स और सजेशन का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। ऐसी और जानकारीपूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें टारगेट स्टडी YouTube चैनल को और नोटिफिकेशंस के लिए दबाएं बेल आइकन को। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।